नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वास्तु शरद नैने जोशी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने फ्यूचर गुरु चैनल पे। आज हम लोग जानने वाले हैं आपके जन्म कुंडली के सप्तम भाव मतलब विवाह के संबंधी। हर व्यक्ति के अपने जीवन में विवाह से लेके क्यूरियोसिटी होती है, हर व्यक्ति को अपना विवाह कब होगा इसके बारे में जानकारी चाहिए होती है। हर व्यक्ति अपने जीवन में विवाह संबंधी बहुत से सपने देखता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके जन्म कुंडली में जो सप्तम स्थान है वहाँ पे कौन से योग होने की वजह से आपका विवाह कैसे होगा। आपके सप्तम भाव में यदि जो ग्रह बैठते हैं वो ग्रह शुभ होंगे तो विवाह संबंधी किसी प्रकार की पीड़ा नहीं आती। यदि सप्तम स्थान में कोई भी अशुभ ग्रह बैठा है तो विवाह होने में अड़चने आती है। हमारे वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा यदि आपके जन्म कुंडली में सप्तम स्थान में किसी प्रकार का बुरा ग्रह है, पूर्व ग्रह है, पाप ग्रह है तो उसको किस प्रकार से आप दूर कर सकते हो और विवाह का संपूर्ण आनंद आप उठा सकते हो। विशेषता सप्तम भाव ये हमारे विवाह के जन्म कुंडली में विशेष भाव माना जाता है। सप्तम स्थान का जो स्वामी है वो जिस स्थान पे बैठा हुआ है उस स्थान के अनुसार भी विवाह के संबंधित मिलने वाली सुख सुविधाएं देखी जाती है। आपका सप्तमेश की दशा अंतरदशा में आपके विवाह संयोग बनते हैं। विशेषता लड़कियों की कुंडली में शुक्र बलवान होगा तो विवाह जल्दी हो जाता है और लड़कों की कुंडली में गुरु बलवान होगा तो विवाह जल्दी होता है। शुक्र गुरु और चंद्रमा की दशा अंतर्दशा जब भी जन्म कुंडली में आती है व्यक्ति के जन्म कुंडली में इन दशाओं में विवाह के संयोग बनते हैं। आपके सप्तम स्थान पे यदि शनि मंगल की किसी भी तरीके से दृष्टि हो और किसी भी तरीके से यदि वो ग्रह वहां पर बैठे हो तो विवाह में विलंब हो सकते हैं, विवाह होने के पश्चात भी विवाह का आनंद नहीं मिलता। इन ग्रहों की शांति से आप विशेषता अपने विवाह का जीवन अच्छे से बिता पाओगे। विशेषता सप्तम स्थान पे यदि राहु पड़ा होगा तो विवाह होने में थोड़ा सा विलंब हो सकता है, विवाह होने के पश्चात भी मानसिक आर्थिक और शारीरिक पीड़ाएं हो सकती है। इसके लिए विशेषतः किसी अच्छे ज्योतिष के परामर्श से आपके ग्रहों का आपके कुंडलियों का अच्छे से अध्ययन करके जो विवाह में विलंब हो रहा है उसकी जानकारी आप ले सकते हो। हमें विशेष आनंद होगा यदि आप हमसे जुड़ के आपके विवाह संबंधी कुछ तो जानकारी चाहिए तो हम आपको जरूर मार्गदर्शन करेंगे। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने आपको कुछ डिटेल दिए है, उस डिटेल को भर के आप अपनी विवाह संबंधी जानकारी हमसे जान सकते हो। अब मैंने आपको ज्योतिष शास्त्र के आधार से तो बता दिया कि विवाह में विलंब क्यों होता है और उस विलंब को दूर करने के लिए आपको किसी अच्छे ज्योतिष से परामर्श लेना ही चाहिए। अब आपको वास्तु शास्त्र के अनुसार यदि जो विवाह में विलंब हो रहा है उसको आप कैसे दूर कर सकते हो। यदि किसी भी लड़की के विवाह में विलंब हो रहा है तो उसको नॉर्थ वेस्ट के जो रूम होगा या आपके रूम के ही नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में उसको सुला दीजिएगा जिससे उसका हेड जो है वो साउथ में हो और पैर नॉर्थ में होने चाहिए। जल्द से जल्द उसके विवाह के संयोग जरूर करेंगे। उसके रूम के वेस्ट वॉल पे आपको लव बर्ड्स का कुछ भी चित्र लगा सकते हो या लव बर्ड्स के स्टैचू भी रख सकते हो जिसे जल्द से जल्द उसके विवाह के लिए संकेत जरूर बनते हैं। तो विवाह में जो भी उनको संदेश आना या किसी से आगे बढ़ के काम होने में अड़चने आ रही है या कुछ प्रपोजल कम्प्लीट नहीं हो रहे हैं उसमें भी थोड़ी सी गति जरूर मिलेगी। विशेषता लड़कियों को शिव जी की पूजा करने से 16 सोमवार के व्रत करने से भी विवाह संबंधी जो अड़चने आ रही है वो दूर हो सकती है और लड़कों को माता रानी की सेवा जरूर करनी चाहिए और अपनी माता की और अपने बहनों का विशेष आदर जरूर करें। आपके विवाह में होने वाली जो अड़चने हैं वो जरूर दूर हो जाएंगी। अब मैं जिन लोगों को विवाह में ज्यादा विलम्ब हो रहा है उनके लिए कुछ ट्रिक्स बताता हूँ, ध्यान देके सुनिएगा। आप जब भी किसी से मिलने जाते हो, विवाह संबंधी प्रपोजल देते हो तो सैटरडे के दिन मिलने मत जाइएगा। हम लोगों को यहाँ पे छुट्टियां सैटरडे के दिन ज्यादा होती है, सैटरडे संडे होती है तो लोग क्या करते हैं कि सैटरडे के दिन ही मीटिंग कर देते हैं। सैटरडे के दिन जो लोग मीटिंग करते हैं उस विवाह के डिसीजन में इतना विलंब हो जाता है कि कभी भी रिजल्ट नहीं आते। इस वजह से सैटरडे के दिन आप मीटिंग्स मत करिएगा। हो सके तो संडे कर सकते हैं, फ्राइडे कर सकते हैं, वेनसडे कर सकते हैं जिससे विवाह होने के जो भी संबंधित योग हैं वो फास्ट हो जाएंगे। आपको ये ध्यान रखना है, विशेषता मैं आपको एक बात बताता हूँ,
जो लड़कियां और लड़के विवाह की इच्छा रखते हैं वो फर्स्ट टाइम जब मीटिंग करने जाएंगे तो ये ध्यान रखिएगा कि आपके साथ कुछ न कुछ सफेद वस्त्र जरूर हो। आप अपने साथ सफेद वस्त्र रखोगे तो आपका जल्द से जल्द संजोग बनेंगे और विवाह की जो इच्छा है वो पूर्ण जरूर होगी। यदि आप अपने घर पे मीटिंग करते हो तो आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि आपका फेस नॉर्थ में होगा तो जिस भी लड़का या लड़की के साथ आपकी मीटिंग हो रही है वो आपसे जरूर कन्विंस होगा, आपके ऊपर जरूर इम्प्रेस होगा। यदि होटल में भी आप जाते हो तो आपके फोन में कंपास होता है, उस कंपास को आप सेट करिएगा तो आपको पता चलेगा कि इस कंपास के अंदर नॉर्थ डायरेक्शन दिखेगा। यदि आप बैठते समय नॉर्थ डायरेक्शन के फेस करके बैठोगे तो विशेषता जिस व्यक्ति को आप प्रभावित करना चाहते हो वो व्यक्ति आपके प्रभाव में भी आएगा और विवाह के संजोग जरूर बनेंगे। आपको हमारा ये वीडियो यदि अच्छा लगा होगा तो जरूर ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। आज जो विवाह संबंधी मैंने आपको टिप्स बताए हैं ये ज्यादा लोगों को बताने से निश्चिंत ही जिन लोगों के घर में विवाह इच्छुक लोग हैं उनको ये महत्व पता चलेगा, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों ये चीजें फॉलो करेंगे तो उनके घर पे भी मंगल कार्य फास्ट हो जाएंगे जिससे हमें भी लाभ होगा और आपको भी आशीर्वाद मिलेगा। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिएगा, हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें जिससे हमारे आने वाले नए वीडियोस आपको जरूर मिलते रहेंगे और विश्व का कल्याण जरूर होगा। आपके कल्याण की मैं मनोकामना करता हूँ। मैं माता रानी, माता पार्वती और शिव जी को प्रार्थना करता हूँ कि आपके कार्य जल्द से जल्द शीघ्र पूर्ण हो जाए, आपके विवाह में जो भी खंड आ रहा है वो दोष दूर हो जाए, पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ जो मैंने आपको नियम बताए हैं उनका पालन करें, निश्चिंत ही आपको यह जरूर मिलेगा। आपकी मनोकामना। नमस्कार।